ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये तमतन में आती है। अब तहजीब का तर्जमा अंग्रेजी में कल्चर किया जाता है, तहजीब का तर्जमा क्या किया जाता है, और तमतन का तर्जमा सिविलाइजेशन किया जाता है। और वो शख्स जो तहजीब याफ्ता है उसको कल्चर कहते हैं, और जो तमतन याफ्ता उसको क्या कहते हैं, सिविलाइज। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक शख्स अपने किरदार में, रवैये में अपने भी बहुत गुलाम है, और उसके पास दुनिया की सारी फैसिलिटीज भी है। इसका मतलब है कि वो कल्चर्ड भी है और सिविलाइज भी है। कुछ लोग कल्चर्ड होते हैं, अखलाकी एतबार से बुलंद होते हैं, लेकिन वो जिसको अपने स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होता, इसको दुनिया में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल वो नहीं जानते, तो वो सिर्फ कल्चर लेकिन सिविलाइज नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी का मसला यह है कि अंग्रेजी में इतना फर्क नुमाया नहीं किया जाता, एक अर्थ किया जाता, मतलब वो कल्चर और सिविलाइजेशन को मिक्स भी कर देते, वो कल्चर बोलते हैं और बुरा सिविलाइजेशन लेते हैं, सिविलाइजेशन बोलते हैं और कल्चर भी लेते हैं, और कभी दोनों को अलग अलग भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें एकेडमिकली पता होना चाहिए कल्चर और सिविलाइजेशन क्या फर्क होता है। फिर आप इसके फर्क भी हम पढ़ेंगे कि आप यूँ समझें कि कल्चर जो है ये बीज है, कल्चर क्या है, सीड, कल्चर इज अ सीड और सिविलाइजेशन इज अ ट्री, और मतलब क्या है, दरख्त। कल्चर इज अ स्पिरिट, रूह, और सिविलाइजेशन तमतुन इज अ बॉडी है। कल्चर इज इनर सेल्फ ऑफ द ह्यूमैनिटी या ह्यूमंस, और सिविलाइजेशन आउटर सेल्फ, तो उसका आउटवर्ड जो कुछ है वो क्या है, तमतुन है। तो तहजीब का ताल्लुक आपके बातिन से है, और तमतुन का ताल्लुक आपके जाहिर से है। तहजीब बीज है और तमतुन दरख्त है, तहजीब रूह है और तमतुन इंसान है। पहली बात तो ये है। अच्छा, उसके बाद ये है कि एक लफ्ज उर्दू में सकाफत बोलते, तहजीब और तमद्दुन इनके दरमियान से सकाफत निकलती, इनके दरमियान से एक बात को पहले समझे फिर सकाफत। हम इंसान जानवरों से कैसे मुख्तलिफ हैं, मुमताज, प्रोमिनेंट, तो किस हवाले से हैं? एक हमारा, एक हमारी हैवानी हैसियत है, इंसान और जानवर, एक हमारी हैसियत है अकली, मतलब इंसान जो है ये इंटेलेक्ट का हमें इंटेलेक्चुअल है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आंसर जनरली मिलते हैं। तो हमारी एक इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस है, अकली हुई है, हम मुख्तलिफ हैं सिर्फ ये बात। दूसरी क्या वजह है, अखलाकी सेंस, मॉरल सेंस, सही और गलत, सच और झूठ, हक और बातिल, ईमान और कुफ्र, जानवर इस फर्क नहीं समझते। तो दूसरा, हम जानवरों से मुख्तलिफ हैं अपने अखलाकी वजूद, अकली वजूद, और सेकेंड अखलाकी वजूद। तीसरी हैसियत में हम मुख्तलिफ हैं एस्थेटिक सेंस की वजह से, अपने जमालियाती वजूद। ये तीन चीजें इंसानों में नुमाया है, ये मुमताज करती है इंसानों को जानवरों से। कौन सी तीन चीजें, अखलाकी और जमालियात जमालियात। अच्छा, जमालियात का ताल्लुक होता है खूबसूरती और बदसूरती से। इंसान एक जानवर के लिए फूल से खूनी है, और एक इंसान के लिए उसमें डेलिकेसी है, उसको है। इंसान अपने कपड़ों में खूबसूरती चाहे, इंसान अपने घर में खूबसूरती चाहे, गाड़ी में चाहेगा, ऑफिस में चाहेगा, रोड में चाहेगा, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, तब भी कहेगा, उस सब शाही
और लिटरेचर, फनूने लतीफा, आर्किटेक्चर, तो ये सारी चीजें किस में आती है? तुम्हारी आपको दुनिया की असले के बाद बड़ी इंडस्ट्री मेकअप है ना, ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री जो है वो मेकअप की इंडस्ट्री। तो मेकअप क्या है? आरायश और जीबायश है, मर्द भी पिछले। तो ये इंसान की जमालियाती हिस्से जो इंसान को मुमताज कर दिया जानू, इस जमालियाती हिस्से का ताल्लुक जब तहजीब से होता है या तमद्दुन से होता है तो उसको सकाफत। सकाफत क्या है? सकाफत ये है कि आपका तमद्दुन है, आपने घर बना लिया, आपने अगर आपने सादा ही घर बनाया उसमें खूबसूरती का पहलू नहीं रखा तो ये एक तमद्दुन तो है, आपने घर बनाया, और अगर आपने उसको खूबसूरत भी रखा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? तो सकाफत जमालिया। तो सकाफत में आपका आर्ट आता है, आपकी शायरी आती है, आपकी मुसवरी आती है, आपके जमालियात के जो भी पहलू हैं, आप एक ड्रामा कर रहे हैं और उसमें अपनी खूबसूरती को मौजूद रखते हैं तो वो सकाफत है। आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें खूबसूरती को मौजूद रखते हैं। तो सकाफत का बुनियादी तौर पे ताल्लुक तहजीब और तमद्दुन के, उस तहजीब में देखें अकली मजाहिर भी आते हैं, अखलाकी मजाहिर भी आते हैं, जमालियाती भी आते हैं, लेकिन जब हम सकाफत बोलते हैं उसमें सिर्फ जमालियाती। सकाफत का लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल भी होता है, ये बात याद है। सकाफत और तहजीब दोनों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज है कल्चर। तहजीब और सकाफत के लिए अंग्रेजी में क्या लफ्ज है? कल्चर। और तमद्दुन हम उसकी तरह बात करते हैं। अब आपको पता चल गया कि तहजीब क्या है, सकाफत क्या है और तमद्दुन क्या है। और अंग्रेजी में यानी उर्दू में तीन लफ्ज हैं, तहजीब, सकाफत और तमद्दुन। तहजीब, तमद्दुन और सकाफत, और अंग्रेजी में दो लफ्ज कल्चर और सिविलाइजेशन। तो कल्चर के नीचे उर्दू के दो लफ्ज होते हैं, तहजीब और सकाफत, और तमद्दुन सिविलाइजेशन। सारा ही रिपीट कर नहीं, सारा ही चले जी। अब हम इसका माना समझते हैं कि तहजीब का माना क्या, तमद्दुन का माना क्या, फिर फर्क क्या है, ये तो मिटा दूं। तहजीब का मतलब होता है तहजीब का लफ्ज, तहजीब के लिए हमने अंग्रेजी में क्या लफ्ज बोला है? काटना। ये मैं इसके लफ्ज का माना बता रहा हूं, लिटरल मीनिंग, लफ्जी माना। तहजीब के लफ्ज, आपका नाम क्या है? अब्दुल हबीब का क्या होता है? अब्दुल हबीब का मतलब देर बाद नहीं होता, ओ खुदा के बंदे, अब्दुल हफीज का मतलब होता है हफीज का बंदा। हफीज अल्लाह ताला की सिफत है जिसका मतलब है हिफाजत करने वाला, और अब्दुल का मतलब होता है बंदा। अब्दुल हफीज का मतलब होता है अल्लाह ताला सारी कायनात की हिफाजत करने वाला है उसका बंदा, जैसे अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। तो ये इस लफ्ज का माना है, लेकिन यहाँ पे इस लफ्ज के अलावा एक बंदा बैठा हूं, ये बंदा इस्लाही माना है, ये एक लफ्जी माना है और एक लफ्जी माना है। लफ्ज का माना काटना, तराशना, ठीक है ना, कट, प्रिंट, ये लफ्ज का माना। तमद्दुन का लफ्ज है वो
उसका मतलब होता है शहर बसाना। तबक्कुल के लफ्ज़ का मतलब क्या है? शहर बसाना, सिटीजनशिप। तबक्कुल का लफ्ज़ वतन से निकला है, मीम दाल नून वतन। आमदन का मतलब आना होता है, वो फारसी का लफ्ज़ है। तमतुन अरबी का लफ्ज़ है, वतनियत मुदुन। नेट में वे मेरी गलत सुन, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। शहर पसंद, सिटीजनशिप। स्टूडेंट समझते हैं कि नेट की बिल्कुल सारा तो सारे की है। वो बड़ी मिसइंफॉर्मेशन की होती है, और फिर उसके बाद गलत सब इंफॉर्मेशन की हर एक अपनी अभी ना यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ी होती है, बोला माँ की बात करो तो नहीं क्या क्या कितने भी चेंजेस आ रहे हैं। अरे काम आदमी क्या हो जा रही है, सही क्या है मतलब होता है टेंडर लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज पूरी इंडिया में भी एक ही है। उसके बाद एक होती है लोगा अल महलिया, लोकल लैंग्वेज। और लोकल लैंग्वेज होती है ना, उसमें एक स्लैंग लैंग्वेज होती है, उसमें फर्क होता है। उसमें मिस्री और बोलते हैं, जो मिस्री हर जगह जीन को गाँव से बोलते हैं, वो जन्नत को गन्ना कहते हैं, जमाल को कमाल कहते हैं, जमील को गमील कहते हैं। मैं उम्र में था तो मिस्री मुझे मिला, तो मैं उससे पूछा कि मैंने नाम तो यश है पास में क्या कहना मेरे से, तो मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा सर अल मिस्री नून यूबदलून अल जीन बिल गाफ, वो जीन को गाफ से चेंज करते हैं, और अक्सर वो हम ये तकल्लमून के लोग अल महलिया, वो एक जो एक लोकल लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है तो उसको नहीं इस्तेमाल करते, नॉर्मली उनके तकलीफ के लिए करते हैं। मैंने कहा अच्छा हम सर बताए महमूद तकल्लम, पाँच मिनट हम गुफ्तगू करेंगे आराम आ जाएगा, और अब देखें कैसे आप जो लोग है ना महली उसमें आ जाते हैं। ऐसे में बातें शातों से बता रहा, तो मैंने ना कहा कि मज़ा यकूल बेगमाल अब्दी नासिर, जमाल अब्दुल नासिर था ना, तो मैंने कहा कि आप उसके बारे में क्या, गमाल अब्दुल नासिर आ गया उसी मैंने कहा जमाल तुम्हें कहना हो वल्लाह कद नसीत मैं भूल गया तो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज भाई मैंने जब मैं अरबी सबसे पहले की ना, मेरा अरबी में थीसिस है, मेरी अरबी में किताब है, मैंने 15 साल अरबी सी एस एस को पढ़ाई 211 मैंने 2012 में पढ़ाना शुरू किया। तो ये इसका जो लिटरेचर है ना अरबी का, मेरे नोट्स आज भी पी एम एस बहुत ज्यादा लिखते थे, तो उनकी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना वो एक ही है, चाहिए एस टी सी पढ़ेगी। अच्छा जी मोदन, मोदन का मतलब ये होता है शहर पसंद। अब आ जाए डेफिनेशन दी है, तहजीब बिलीफ्स मॉरल वैल्यूज अकायद अखलाकी उसूल के तहजीब की तारीफ लिखवा रहा हूँ। लफ्जी माना लिखी है ना तारीफ, बिलीफ्स मॉरल वैल्यूज अकायद
collective rules and norms of any nation or kisi kaum ki riwayat and norms of any nation or kisi kaum ki riwayat. अंग्रेजी वाले कितने हैं? खड़ा करें एंड नॉर्म्स ऑफ एनी नेशन और किसी कौम की रिवायत फ्रॉम अंडर दैट नेशन स्पेंड इट्स लाइफ फ्रॉम अंडर दैट नेशन स्पेंड इट्स लाइफ जिनके तहत वो कौम जिंदगी गुजारती है जिनके तहत वो कौम जिंदगी गुजारती है ये तहजीब की कहानी है. क्या लिखी है आपने? आप बताएं. उर्दू में क्या लिखी है? नहीं नहीं और किसी ने लिखी उर्दू में? किसी मुआशरे की तरक्की याफ्ता सूरत जो हुकूमती निजाम
sinner or other surat jo hukumti nizam sanat aur adab aur music ke wale se apne kamal par ho samarpan kehlata hai. Kya hua किसी मुआशरे की तरक्की याफ्ता सूरत जो हुकूमती निज़ाम सनत और अदब और म्यूजिक के हवाले से अपने कमाल पर हो तमद्दुन के एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी containing highly developed forms of governance industry और लिटरेचर एंड म्यूजिक एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कंटेनिंग हाईली डेवलप्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्री आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक पहले भी फर्क लिखे कल्चर इज अ सीड एंड सिविलाइजेशन इज अ ट्री कल्चर यानी तहजीब बीज है और तमद्दुन दरख्त है तहजीब रूह है और तमद्दुन जिस्म है कल्चर इज अ स्पिरिट एंड सिविलाइजेशन इज अ बॉडी आपकी स्पीड स्लो है कल्चर इज इनर साइड ऑफ एनी इंडिविजुअल our nation and civilization is outer side tehzeeb kisi fard ya qoum ka batin hai aur tamaddun kisi fard ya qoum ka zahir इस्लामी तहजीब की खसूसियात या फसाइस पहली खसूसियत क्या है तौहीद बिलीव इन वननेस ऑफ गवर्नमेंट और ला इलाहा इल्लल्लाह ये लिखें
ये लिखें कुल हो अल्लाह, से अल्लाह इज वन, आप इच्छा सुनाइए कि अल्लाह एक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिलीफ इन फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट, खत्म नबूवत पर यह अकीदा है, खत्म नबूवत अकीदा है, और इसमें आपने कौन सी आयत लिखी है? सूरह अहज़ाब की 40, माकान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं, वो सब नबियों में से आखिर में और अल्लाह के रसूल। वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है और खातमुन नबिय्यीन। अब ये आपने मेरे पास तर्जमा है लेकिन मैंने लिखा, और आपको कुराने मजीद से देखना है, काम करना है नहीं इंग्लिश वालों को तो कह रहे पुराने मजीद मिलते हैं, अब्दुल्ला यूसुफ अभी का देख रहे हैं, उस्मानी साहब का देख रहे हैं, अंग्रेजी की कादरी साहब का देख रहे हैं, का देख लें, बुक में भी कुछ थोड़ी थोड़ी और भी आया था आपको नजर आ गया चलेंगे। बिलीव इन हेयर आफ्टर, आखरत पर ईमान, और वो मोमिनों की तारीफ हो रही है, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, और वो आखिरत पर, ये सूरह बकरा की आयत नंबर है 4, अल बकरा बबिल आखिर आखिर आते हम यू के नूर और वास्तविक पर यकीन है। अगली खुशूसियत ह्यूमन इक्वालिटी, इंसानी मसावात, इस पर एक कोटेशन आपके पास मौजूद है ह्यूमन इक्वालिटी पर, अलाल फजल ये अरबी है, सुनाए आप पिछली मरतबा लिखवाई है, मैंने लिखी हुई तो है ना, पिछला क्वेश्चन जो आपको करवाया था तो उसमें लिखी, आप बताएं ले अरबी है आगे ये खुद वजह तो विदाशन आपने लिखी थी, ह्यूमन इक्वालिटी में कौन सी लिखनी है? अलाल फजला ले अरबी अल आजमी इन बुला आजमी इन अल अरबी इन बुला असमद अल अहमर बुला अहमर अल असमद अल्लाह लिखता था, ये तो पूरी है ना, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अजमी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, कोई बदला नहीं सिवा देयर इज नो क्रेडिट फॉर अरब ओवर नॉन अरब, फॉर ब्लैक ओवर वाइट, फॉर वाइट ओवर ब्लैक, एक्सेप्ट गॉड कैन। मॉरल वैल्यूज, अखलाकी अकदार, सूरह नहल की आयत नंबर 90, ये आपने आयत याद करनी है कुरान से, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आयत, ये खुतबे में आगे खुतबे खुतबे में, इसमें तीन चीजों का हुक्म दिया गया है अखलाकियात के वाले से, ये जैसे मैंने कहा ना अलाल अफजल अल अरबी अल आजमी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
इसको लिख लें बी बी आई जी, ठीक है सूर्य की आयत नंबर 90 की, मतलब इसको लाजमी याद करें। अल्लाह ताला तुम्हें क्या हुक्म देता है, अदल का, एहसान का और रिश्तेदारों को अता करने का, इसका तर्जुमा भी आपने लिखा है और आयत भी, ये आपने खुद करना है, मैंने आपको रिक्वेस्ट करी। और तीन चीजों से मना करो, यहाशा बल मुमकर बल बाल सर के, अल्लाह ताला तुम नसीहत करते हैं अल्लाह ताला तुम नसीहत। अच्छा, ये तीन जो चीजें इनको हुक्म है, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव मॉरल्स, और दिन तीन चीजों से मना किया उनको कहते हैं नेगेटिव मॉरल्स। उर्दू में कहते हैं अखलाक के हंसना और अखलाक के तैयार, तैयार का मतलब क्या है, बुरे अखलाक, अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक। अच्छा, इसका और एक लफ्ज है अखलाक का इजाबी पहलू या सल्बी पहलू, दूसरा लफ्ज क्या है, बुरे अखलाक को हम कहते हैं सल्बी अखलाक का सल्बी पहलू, यानी जिनको नहीं होना चाहिए सलब कर लेना, और इजाब का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब कबूल करना, इजाब और कबूल है, किसी का वो है इजाब और कबूल आपका वो है ना पाले गए। इजाब का मतलब होता है कि जो पहल करता है वो मर्द करे या औरत करे, इनिशिएट जो करता है उसको इजाब करे, औरत भी कह सकती है आपसे निभा करते और मर्द कबूल कर रहे, और मर्द कह रही मैं कहता हूँ मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ निभा के, तो ये आपके अंदर अल्लाह ताला आपको देख भी लिए था है? ये तो जरूरी है, अच्छी है वो मताए दुनिया हमारा साल है, दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक मर्द। आजकल दोनों तरफ प्रॉब्लम है, मर्द नहीं मिल रहे और दुनिया में अच्छी मूवी अच्छी लगती है ना सारे लोग, तो कह रहे हैं आपकी अच्छी अच्छी औरतें चार स्टॉप कर लिए ऐसे, तो मैंने कुछ विचार ही मेरा रुकता नजर मैं शुगर ब्लड प्रेशर मतलब 1000 अमराज को दावा देना और एंड पे सब कुछ फेलियर है, माइंड हार्ट सब तुमने कुछ अपने ख्याल तो दे दिया ये मोहब्बत अपने कवाल पे है। अच्छा जी, डिग्री लिया भाई मैंने इस तरह में आप लिए
वाला कत्तर रुम्या बनी जाता है। हमने आदम की सारी औलाद को इज्जत दी, हमने आदम की बनी इसराइल आयत नंबर 70 हमने आदम की वी ऑनर ऑल द सन्स ऑफ आदम, हमने आदम की सारी औलाद मतलब इस्लाम की तहजीब की खुशियत है सारे इंसान मुहतरम। सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ, ये आया तो आपने लिखी हुई है पहले क्वेश्चन में, ए दिलू वो आप रहो देखता अगर करो ये कथवा के, ये पहला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था पीस मेकर बना, तो ये बहुत सारी चीजें ना रिपीट हो रही होती है। नेक्स्ट, टॉलरेंस फॉर पूरे लुकमान के आयत नंबर 17 है, अहदीस सुसलम आप सब कीजिए जो तकलीफ आपको पहुंच दे, आप सब कीजिए जो तकलीफ आपको पहुंची है, एंड बेयर पेशेंटली दैट व्हिच बिफॉल्स यू। बहुत सारी बात है, मैंने कहा दैट व्हिच befalls you. Rule of law, rule of law का मतलब क्या होता है, कानून की बालादस्ती, कानून की। इस हवाले से quotation है कि वैसे याद करें, लो अन्ना फातिमा का बिनता मोहम्मद या कदा को ज्यादा, अगर फातिमा अरबी लिख ली, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी काट देता। अच्छा, अब आ जाएंगे कल्चर एंड सिविलाइजेशन इंट्रोडक्शन की कई है, तेरा क्वेश्चन को भी डिस्कस करना है, फिगर कंप्लीट करना है, देखिए इसका तारुफ पॉइंट वन, इंट्रोडक्शन का पॉइंट वन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज द पोटेंशियल of spreading to other societies and it can be adopted when it influences others। कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज द पोटेंशियल ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर सोसाइटीज एज इट कैन बी अडॉप्टेड व्हेन इट इन्फ्लुएंसेस अदर्स। तहजीब और तमद्दुन के अंदर ये सलाहियत होती है
कि वो दूसरे मुआशरों को मुतासिर करते भी हैं और मुतासिर होते भी हैं। तहजीब और तमदन ये खसूसियत होती है कि ये दूसरे मुआशरों को मुतासिर करते भी हैं और मुतासिर होते भी हैं। नेक्स्ट, मुस्लिम्स कल्चरल कंट्रीब्यूशन। आप यूट्यूब लिख लें कि मुसलमानों का तहजीबी मुस्लिम कल्चरल कंट्रीब्यूशन रीच यूरोप टू स्पेन। कंट्रीब्यूशन का क्या उर्दू है कि हिस्सा, मुस्लिम्स कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी यूरोप थ्रू स्पेन एंड इन्फ्लुएंस द यूरोपियन इन मेडिवल टाइम्स। मुसलमानों की तहजीब यूरोप तक स्पेन में पहुंची कुरूने वुस्ता में। मेडिवल टाइम्स किसको कहते हैं? कुरूने वुस्ता। कुरूने वुस्ता कहते हैं ये टाइम लगता है कोई 1000 बिल्कुल सही। मुसलमानों की तहजीब यूरोप तक कुरूने वुस्ता में पहुंची। अब ये कुरूने मुस्लिम भी होता है जिसको डार के यूज करते मेडिवल टाइम के मेडिवल एज को कहते हैं कुरूने वुस्ता। नेक्स्ट, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैड बीन प्रोमिनेंट। इस्लामी तहजीब और तमद्दुन अपने आगाज से ही नुमाया थे। इस्लामी तहजीब और तमद्दुन अपने इस्लामी कल्चर प्रोमिनेंट फ्रॉम इट्स बिगनिंग। इस्लामी तहजीब और तमद्दुन अपने आगाज से ही नुमाया थे। इसकी वजह से दूसरी तहजीबें इस्लामी तहजीब से खतरा महसूस करती हैं। इसकी वजह से दूसरी तहजीबें इस्लामी तहजीब से ये उसी के साथ खतरा महसूस करती हैं। देयरफॉर अदर सिविलाइजेशन फील थ्रेट। नेक्स्ट, इस्लामिक आइडेंटिटी इज अ बिग चैलेंज फॉर मुस्लिम इन वेस्ट। आइडेंटिटी इज अ बिग चैलेंज फॉर मुस्लिम इन द वेस्ट। इस्लामी शनाख्त मगरब में मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला है। इस्लामी शनाख्त मगरब में। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट इस्लामिक आइडेंटिटी क्राइसिस। अबाउट इस्लामिक आइडेंटिटी क्राइसिस शुड बी रिजॉल्व थ्रू पॉजिटिव डायलॉग। दर्ज बाला इस्लामी शनाख्त का मसला दर्ज वाला इस्लामी शराब का मसला इसको मुस्बत मकालमे से हल किया जाए। कंक्लूजन, पहली नंबर खुलासा, ऑब्वियसली वाजे तौर पे
इस्लामिक कल्चर इंसिस्ट, इस्लामिक तहजीब इसरार करती ऑन इक्विलिब्रियम, इस्लामिक कल्चर इंसिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम बिटवीन द मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ लाइफ। वाजे तौर पर इस्लामिक तहजीब मादी और रूहानी जिंदगी की मादी और रूहानी जहतों के हवाले से तवाज़ुन पर इसरार करती है। इक्विलिब्रियम बिटवीन द मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ लाइफ। ओबीएसली इस्लामिक कल्चर इंसिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम बिटवीन द मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ लाइफ। उर्दू में लेकर कोई शक नहीं कि इस्लामी तहजीब जिंदगी की मादी और रूहानी जिहाद में तवाज़ुन पर इसरार है। डायमेंशन जिहाद बिलीव इन अल्लाह अलमाइटी। नेक्स्ट पॉइंट, अल्लाह ताला पर अकीदा है तौहीद के दिन। बिलीव इन अल्लाह अलमाइटी इज ऑल प्रॉफिट्स, उसके तमाम रसूलों पर ईमान। मोडेस्टी या कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, तहारत का जामे निजाम, तहारत का जामे निजाम। मॉडरेशन के तदाल बिरादर और अकूवत एंड फैमिली सिस्टम और खानदानी निजाम और डिस्टिंग्विश करैक्टरिस्टिक्स, ये इस्लामी तहजीब की नुमाया खसूसियात। ये जो ऊपर लिखा है ना इस्लामी तहजीब की नुमाया खसूसियात, इस्लामिक आइडेंटिटी एंड मॉरल डाइलेमा, इस्लामी शिनाख्त और अखलाकी ज़वाब। इस्लामिक आइडेंटिटी एंड मॉरल डाइलेमा आर बिग चैलेंजेस फॉर मुस्लिम कल्चर। इस्लामी शिनाख्त और अखलाकी ज़वाब इस्लामी तहजीब के बड़े मसाइल, इस्लामी तहजीब के बड़े मसाइल। तो ये हो गया आपको, आपको इसको देखिए, दुनिया में इस वक्त साफ बड़ी तहजीब का खो जाना था और उसने ये बात कही, उसके आर्टिकल का फिर किताब है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, पढ़िए किसी ने। इसमें ये बात थी कि नजरियात की जान खत्म हो गई, हिस्ट्री के एंड हो गए और हम इस वक्त आखिरी जो है, यानी मगरबी तहजीब जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, ये उन खसूसियात की हामिल है कि इससे अच्छे नजरियात देखना अब मुमकिन है। फिर उसने ये डिबेट की कि इंसान का सबसे बड़ा मसला जो है वो शनाख्त का मसला है। इंसान का सबसे बड़ा मसला क्या है? शनाख्त, आइडेंटिटी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने इसका ये मसला हल कर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसका ये मसला हल कर दिया। कैसे? इसमें डेमोक्रेसी है, फ्री मार्केट है, इसमें लिबरल इकोनॉमी है, लिबरल ऑर्डर है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है ना, और
मॉडर्निज्म ओवरऑल इवन पोस्ट मॉडर्निज्म तो ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और इसके जो बिलीफ्स हैं जहर बाज उसके चंद एक बड़े बिलीफ्स हैं या आप कहें कि उसके मेटा नैरेटिव्स हैं बड़े महाबयानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हैं महाबयानी तो उनमें ह्यूमन राइट्स हैं उनमें क्या है इंसानी हकूक हैं उनमें कानून की हुक्मरानी है रूल ऑफ लॉ है ये बड़ा बयानी है इंसानी हकूक है कानून की हुक्मरानी है डेमोक्रेसी है जमहूरियत और कैपिटलिज्म है सरमायादारी दिनी उनकी मीशत है वो सरमायादाराना निजाम का और फिर एक उनका बड़ा बयान ये हक़े खुद इरादियत हक़े खुद इरादियत सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब एक कौम जैसे कश्मीर में है फलस्तीन में जब वो कहते हैं कि हम एक आज़ाद वतन चाहते हैं तो वो उनको दे देना चाहिए इसको हक़े खुद इरादियत कहते हैं तो ये जो मगरबी तहजीब है तो इसके ये महाबयान है मेटा नैरेटिव तो फुको यामागाती से ये था कि दुनिया में अब नजरियात की जहाँ खत्म होगी क्योंकि इंसान का बड़ा मसला शनाख्त का था और वो हल इसके अपोजिट स्पिंसर मिले उसने कहा यही मसला तो पैदा हो गया ने क्या कहा उसने कहा कि अब दुनिया में जो जंग होगी तहजीबों में जंग उसका आर्टिकल फिर रिसर्च आर्टिकल और फिर उसकी किताब क्लैश ऑफ तहजीबों का तसादुम तो तहजीबों का तसादुम तसादुम का था बुनियादी तौर पर फुकुयामा के बिल्कुल अपोजिट उसका टीचर था तो उसने कहा दुनिया में और बड़ी तहजीब उसमें लैटिन अमेरिका की तहजीब की बात की उसने चाइना की तहजीब की उसने मुस्लिम तहजीब की बात की फिर उसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात की अल्टीमेट उसने जो नतीजा निकाला तो उसने कहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो जिन है अगर आप अपने पास जाते या वो ब्लैक होल है कि जो सियारा उसके पास जाता है उसको वो आपके अंदर ठीक है तो जो तहजीब उसके करीब जाती है उसको हुआ नहीं तो अब बाकी तहजीब में से खतरा नहीं कल्चर खतरा नहीं वेस्टर्न कल्चर इतना छा गया है कि जो लोकल कल्चर है और बड़े बड़े कल्चर है और दुनिया में उन कल्चर ने हुकूमत की है वो किससे खतरा महसूस करते हैं तो अब जो नेक्स्ट जंग होगी वो किस पर होगी सिविलाइजेशन तो ये उसका बयान है तो इन दोनों के दरमियान अगर मुस्लिम तहजीब की बात करें तो नो डाउट जो मुसलमानों का चैलेंज है वो क्या है क्या पढ़ा है अभी आपने क्या लिखवाया है मैंने क्या हम फील करते हैं हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या प्रॉब्लम फील हो रही है वो कोई हमने कहा था हल हो गया और हम भी फील करते हैं पैदा हो गया हमारी शनाख्त खत्म हो रही है अच्छा वहां पे वेस्ट में अगर बात करें तो वहां पे मुस्लिम थे वो कहते हैं नमाज पढ़े लेकिन आप मीनार भी करें अजान ना दें पर्दा वेद ना करें क्यों वो कहते हैं इससे शनाख्त पैदा होती है मुसलमानों की तो उनको भी थ्रेट किस से है मुस्लिम शनाख्त से और हमारे जो लोग वहां पे रहते हैं वो कहते हैं कि हमने अपनी शनाख्त से साथ दिया इस मसले में डाल गया पानी मिल जाएगा अच्छा ईस्ट में क्या प्रॉब्लम इधर मशरक में वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या प्रॉब्लम है कि वो ओवरऑल अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमारा होता है लीगल अदालती निजाम होता है गवर्नेंस का मॉडल उनका ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल उनका इकोनॉमिक ऑर्डर उनका इकोनॉमी के जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो दुनिया के इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है तो जब सब कुछ है तो हमें तो लगता है हमारा कुछ भी रह गया तो खानदानी निजाम हो हिफ्ज़े मराकिब था हमारी इस्लामी तहजीब की तीन खसूसियात थी तहारत बड़ी फंडामेंटल
यही दो तरह भाव है। हिप से फ्रूट चरण भाव की बात और हिप से मराठक हायरार्की बड़े छोटे कहते हैं। तो वेस्टर्न तहजीब इतनी ओवरलैप कर रही है कि वो हमारी जो कोर वैल्यूज है, तो ये एक कंपैरिजन है बिटवीन इस्लामिक कल्चर और एक तो वेस्टर्न कल्चर का मुकाबला है लैटिन अमेरिकन कल्चर से, चाइना के कल्चर से, अफ्रीकन कुछ कल्चर है उनसे, और एक है मुस्लिम कल्चर से। तो हम तो अपनी बात करें, हम तहजीब को बहुत बड़े कैनवास पर नहीं फैला रहे, हम सिर्फ मुस्लिम कल्चर, तो मुस्लिम कल्चर का हाँ दुनिया में तहजीबें एक दूसरे से मुतासर होती भी है और मुतासर करती भी है, लेकिन जहां पे उनकी कोर वैल्यू जिस तरह होना शुरू की वहां पर बैठती है। मुतासर करना ही होना कोई प्रॉब्लम, हम भी नहीं होते वो भी हमें करना, लेकिन अगर हम उनकी कोर वैल्यूज में जाकर दाखिल होते हैं और वो हमारे अंदर है। जब चाइना न्यू कॉलोनियलिज्म के तहत चाइना का लाया जाता है यहाँ और उनका कल्चर डोमिनेट करना शुरू कर दो, तो क्या हमें क्लियर नहीं होगा? कुछ क्वेश्चन की समझ आई? Thank you.